हे गाइस, वेलकम टू द एप इनिशियो। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डेफिनेशन क्लॉज के इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आने वाले वीडियो आपको इजीली मिलते रहें और आप सीरीज में बने रहें। सो लेट्स बिगिन। डेफिनेशन क्लॉज के हर स्टेट के और LLB के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो हम लोग इसको एक एक करके बहुत डीपली एनालाइज करेंगे। शुरू करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से। TPA में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बहुत इनकम्प्लीट सी दे रखी है, जो सिर्फ ये बोलती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। ये तीन चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होती। तो अब कौन कौन सी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगी, वो सेक्शन 4 जनरल क्लॉज एक्ट का ये बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड और थिंग अटैच टू द अर्थ। अब अगर इन दोनों डेफिनेशन को हम लोग मिला करके पढ़ेंगे तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंप्लीट डेफिनेशन फॉर्म होती है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड और थिंग अटैच टू द अर्थ, एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। अब एक एक करके हम इन टर्म्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लैंड की। लैंड का मतलब भूमि। भूमि क्या होती है? जो अर्थ का सरफेस का एरिया होता है उसे हम लोग लैंड बोलते हैं। उस सरफेस में बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे सरफेस के नीचे की जितनी भी चीजें हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, माइंस हो गई, ओर्स हो गए, ये सब जमीन के नीचे का पार्ट है। जमीन के ऊपर की चीजें क्या होती हैं, जैसे किसी भी जमीन पे घर हो गया, हैंडपंप हो गया और पेड़ हो गए, ये सब जमीन के ऊपर की चीजें होती हैं। तो क्या ये भी जमीन का पार्ट है? तो हाँ, ये भी लैंड का ही पार्ट है। इसमें जो नेचर से चीजें होती हैं, जैसे लेक हो गया, रिवर हो गई, पॉन्ड्स हो गए, ये भी लैंड का ही पार्ट होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि ये जमीन हमारी है, ये घर हमारा है, तो वो चीज कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो लैंड है, वो सरफेस का एक हिस्सा है, वो कैसे पता चलेगा कि ये आपका है? तो उस चीज को एक डिटरमिनेंट पोर्शन होता है, लैंड का कोई एक डिटरमिनेंट पोर्शन जिसको आप रजिस्ट्रेट करवाते हैं वो आपकी जमीन होती है। उसमें बहुत सी चीजें, जैसे आपका मकान है, उस जमीन से लगा हुआ आपका मकान है। जब आप उसको सेल करते हैं, उस जमीन को सेल करते हैं और अपने घर को सेल करते हैं, तो वो आप अपनी लैंड को सेल कर रहे होते हैं। इसका मतलब वो घर भी आपका सेल हो रहा है उस लैंड के साथ, तो वो लैंड का ही पार्ट है, मतलब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सेकेंड चीज है बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड। जो भी जमीन से बेनिफिट आप ले रहे हैं वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपकी जमीन है, उस पर आपने मकान बनवाया और आप रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, आपने मकान को रेंट पे दे दिया और आप रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि आपकी जमीन पे बहुत ढेर सारे फल के पेड़ लगे हुए हैं और आप उन फलों को बेच करके कुछ बेनिफिट ले रहे हैं, या फिर आपने अपनी जमीन को मॉर्गेज पे दे दिया है या लीज पे दे दिया है, या किसी भी तरह का बेनिफिट जो आप अपनी जमीन से लेते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाती है। किसी भी तरह का बेनिफिट जो आप अपनी जमीन से लेते हैं, इसमें बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए राइट टू वे, मतलब आपके जाने का अधिकार, किसी भी जमीन से आपका जाने का अधिकार हो गया, या राइट टू यूज द लैंड, यूज द प्रॉपर्टी, मतलब जैसे लीज के अंदर होता है कि आपकी जमीन कोई और यूज कर रहा होता है, आपने लीज पे दे दिया, वो आपकी जमीन को यूज कर रहा है, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए राइट टू यूज द प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपना मकान किराए पे दिया और आपका जो टेनेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है और उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। और जैसे मान लीजिए कि आपके जमीन में कोई पॉन्ड्स है या फिश आपने पाल रखी है, उससे मछली निकालने का अधिकार हो गया, या जैसे आपका मछली निकालने का अधिकार किसी पॉन्ड से हो सकता है या किसी रिवर से हो सकता है,
तो ये चीज है जो रिवर है वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा है, इसलिए ये राइट भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है थिंग्स अटैच टू द अर्थ, तो ये सेपरेट डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 के अंदर ही, जिसमें लिखा है कि थिंग्स अटैच टू द अर्थ का मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहला है थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ, मतलब जो जमीन से लगी हुई चीजें हैं। दूसरा आता है थिंग अटैच टू व्हाट सो इम्बेडेड इन द अर्थ, मतलब जो जमीन से लगी हुई चीजें उसमें कौन सी चीजें लगी हुई हैं, उससे लगी हुई चीजें। तो थर्ड आता है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, इनका मतलब भी एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले है थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ, तो थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ का मतलब ये होता है कि आपकी जमीन से जो चीज जुड़ी हुई है, जो परमानेंटली फिक्स्ड है, जैसे मान लीजिए आपका घर हो गया, वो परमानेंट फिक्स्ड है। आपका घर हो गया, कोई भी बिल्डिंग हो गई या कोई दीवार हो गई। अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे मान लीजिए वो चीजें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पक्की दीवार आपने नहीं बना रखी, सिर्फ ईंटें लगा करके आपने खड़ा कर दिया है, और आपकी ये इंटेंशन है कि ये इस चीज को रोक रही है, मतलब किसी को बाहर आने के अंदर रोक रही है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा। किसी भी ऐसी चीज जो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं है आपकी जमीन से, लेकिन आप उसको एक उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वो परमानेंटली फिक्स्ड है, तो उसमें आपकी इंटेंशन देखी जाएगी। जैसे ब्रिक्स हैं, उन्हें आपने ऐसे ही किनारे खड़े कर दिए, किसी भी अपने घर पे एक साइड में खड़े कर दिए, और आपकी ये इंटेंशन है कि उसको बाद में यूज कर लेंगे हम, या बाद में कोई दीवार बनवा के या रूम बनवा करके उसको यूज करेंगे, उन ब्रिक्स को यूज करेंगे। तो वो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो पार्ट नहीं होगा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि उसको आपको फर्दर यूज करना है। लेकिन अगर वही चीज आपने जो मेन गेट है या उसको इस तरह से लगा रखे हैं उन ईटे को कि वो किसी भी चीज को रोक रखे है, या किसी चीज को दिखाता है कि ये आपका ईटे लगे हुए हैं और ये आपका घर बना हुआ है, इससे मतलब एक दीवार खड़ी हुई है, वो बाहर की चीजों को वो रोक रही है, तो फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाते हैं। वहां आपकी सिर्फ इंटेंशन देखी जाती है कि आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं। ये तो हो गया थिंग इम्बेडेड इन द अर्थ। सेकेंड चीज है थिंग्स अटैच टू व्हाट्स सो इम्बेडेड इन द अर्थ, इसका मतलब ये है जैसे मान सपोज है आपका घर है, घर आपका परमानेंटली फिक्स है, वो तो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन घर के अंदर जो भी दरवाजे लगे हुए हैं या खिड़कियां लगी हुई हैं, पंखा लगा हुआ है, या जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं वो सब फिक्स होते हैं ना, जो चीज रूटेड है, जो चीज इम्बेडेड है जमीन से, उनसे लगी हुई चीजें यही होती हैं, तो वो भी इमोल प्रॉपर्टी का पार्ट्स हो जाती हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए पंखे का एग्जांपल हमने दिया, तो अगर आपने ये पंखा अपने यूज के लिए लगाया है, आपको लग रहा है कि ये हमारा पंखा चल जाएगा और हमें इसको यूज करना है, आपने वो शोपीस के लिए नहीं लगा रखा है, सिर्फ यूज करने के लिए लगाया और उसको आपने हटाने के लिए नहीं लगाया है, तो वो भी आपका इमोल प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप अपना घर बेचते हैं, तो आप अगर इस इंटेंशन से रखते हैं कि वो पंखा घर के साथ पंखा भी बिकेगा, तो वो इमोल प्रॉपर्टी का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस इंटेंशन से बेचते हैं कि जब हम अपना घर बेचेंगे तो ये पंखा और ये दरवाजे, ये खिड़कियां, ये सब हम लेके चले जाएंगे, तो वो इमोबल प्रॉपर्टी का पार्ट्स नहीं होंगे, वो मोबल प्रॉपर्टी का ही पार्ट्स होंगे। यहाँ पे आपकी इंटेंशन देखी जाएगी कि आप उस प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज करना चाहते हैं। अब है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, मतलब जमीन से जो चीजें रूटेड हैं, जैसे ट्रीज हो गया, प्लांट हो गया, श्रब्स हो गए, ये चीज रूटेड होती है जब तक कि इनको काटा ना जाए, ये परमानेंटली फिक्स्ड रहती हैं। ये तो जनरल रूल है कि प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स, ये सब इमोल प्रॉपर्टीज का पार्ट होती हैं। लेकिन इसके कुछ इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन भी है, जिसमें आता है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। स्टैंडिंग टिम्बर सब कौन कौन से होते हैं,
जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी ऐसा पेड़ लगाया जो फ्रूट बेयरिंग पेड़ नहीं है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसको आपने सिर्फ इसलिए लगाया है कि उसकी लकड़ी को आप फर्दर यूज कर सकें। वो आता है स्टैंडिंग टिम्बर में, जैसे हो गया शीशम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, तो ये सब आते हैं मोबल प्रॉपर्टीज के पार्ट में। लेकिन अब कुछ ट्री कुछ कुछ की कुछ पेड़ की लकड़ियां ऐसी भी होती हैं जो फ्रूट बेयरिंग तो होती है लेकिन उनकी लकड़ी को भी यूज किया जा सकता है। जैसे आम का पेड़ हो गया, सहसूत का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, इन सब पेड़ों की लकड़ियां को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपकी इंटेंशन देखी जाएगी कि आपने वो पेड़ किस लिए लगाया है, उसकी लकड़ी यूज करने के लिए, उसके फ्रूट्स यूज करने के लिए। तो ये हो गया पूरा इमोबल प्रॉपर्टी। बाकी ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मोबल प्रॉपर्टीज होते हैं क्योंकि इसको आप लोग काट काट करके यूज करते रहते हैं। अब ग्रास की बात है तो ग्रास में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ग्रास का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप हमें आपने और हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि इस जमीन की हम ये ग्रास काटेंगे तो आप हमको कुछ पैसे देंगे और उस ग्रास कटने से आपका भी बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ पे वो इमोबल प्रॉपर्टी बन जाएगी ना कि मोबल प्रॉपर्टी। तो ऐसे कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं जिससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आपको इमोबल प्रॉपर्टीज के बारे में आप समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।